हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर पे किस तरह से ब्लीच करते हैं जो कि पार्लर जैसे ही निखार आते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि अपने पास टाइम नहीं होता है और किसी फंक्शन में जाना जरूरी होता है और पार्लर में बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो ये सब से बचने के लिए हम घर पे ही ब्लीच करना बताएंगे कि किस तरह से घर सकते हैं और अपने चेहरे पर ग्लो पार्लर के जैसा ला सकते हैं। तो आज मैं फेम से ब्लीच करना बताऊँगी। ये देखिए, ये फेम का ब्लीच है और ये गोल्ड ब्लीच है। तो इसे किस तरह से अपने घर पे यूज कर करके अपने फेस पे पार्लर जैसी निखार ला सकते हैं, तो आपको इसके कुछ नियम है जो कि उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उस नियम को फॉलो करते हुए अपने फेस पे ब्लीच लगा करके पार्लर जैसी निखार ला सकते हैं। वो अब आपको नहीं बर्बाद करनी होगी, आप घर पे ही आसान तरीके से ब्लीच कर लीजिएगा। तो ये लगाना भी बहुत ही आसान है और आप पैसा भी बचा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं, किस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो इसके कुछ नियम है, उस नियम को आप पहले आप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अपने हाथ में या फिर कहीं भी अपने स्किन में अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है, कि इसके नियम इसमें लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसे पढ़ के आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह के भाषाएं में लिखी हुई है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और भी दूसरी भाषा में लिखे हुए हैं। तो आप इसे पढ़ के भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्रीम ब्लीच है, इस तरह से होते हैं, और ये एक्टिवेटर है। तो इसे यूज़ करेंगे फेम क्रीम ब्लीच में, और इसके साथ चम्मच दिए हुए हैं। तो बड़ी चम्मच से आप क्रीम ब्लीच निकालेंगे और छोटी चम्मच से एक्टिवेटर को यूज़ करेंगे। जो क्रीम ब्लीच बनाने के लिए कांच का बाउल लेंगे, और बड़ी साइज की जो है वहाँ से हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्रीम को। तो आप इससे ज़्यादा क्रीम नहीं लीजिएगा, इसमें आपकी फेस और गर्दन दोनों हो जाएंगे। छोटी वाली से एक्टिवेटर ले लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, नहीं तो ये फेस पे रिएक्शन भी कर सकती है। चम्मच के सहायता से मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह का बैंड लेंगे और अपने हेयर में लगा लेंगे। इस तरह से बैंड लगा लेंगे जो कि आपके हेयर जो है इसके अंदर रहेंगे, हेयर में नहीं लगना चाहिए ब्लीच। तो अच्छी तरह से बैंड लगा लेंगे। ब्लीच अप्लाई करने से पहले फेस को क्लीन कर लेंगे। तो आप हैंकी को भिंगा करके भी आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर कॉटन में डाल करके भी फेस को क्लीन कर लीजिएगा। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं। तो मैं अपने फिंगर से ही पहले लगा लेती हूँ, मुझे ये आसान लगती है और आसान तरीके से लग भी जाते हैं। तो ब्रश से अच्छा मुझे फिंगर ही लगता है, तो मैं फिंगर से ही लगा लेती हूँ। आईज के नीचे से लगाएंगे, अपने आईब्रो को बचाते हुए लगाएंगे, आईब्रो में टच नहीं करना है। इस तरह फेस पे अप्लाई कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। फेस के साथ ईयर को भी हम ब्लीच लगा लेंगे।
ताकि एक जैसा दिखे। पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट्स के बाद देखेंगे यहाँ पर आपके जो ब्लीच है वो सूख गए हैं, तो इसे अब हम पोंछ लेंगे। तो आप रुमाल ले लीजिए, रुमाल को भिगा करके अपने फेस को पोंछ लेंगे। आप देख सकते हैं फेस पे एक सुंदर सा निखार आ गया है। तो इस तरह से आप अपने घर पे ब्लीच कर करके पैसे भी बचा सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं और पार्लर जैसे निखार भी ला सकते हैं फेस में। जब आप ब्लीच करते हो तो आप धूप में नहीं जाना चाहिए, दिन पहले ही अपने फेस पे ब्लीच करवा सकते हैं। इस तरह से आप अपने चेहरे पे ग्लो ला सकते हैं, फेस पे ग्लो ला सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा।